हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग आप पाली से जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ कन्फ्यूजन को दूर करना है। कहाँ देयर का प्रयोग होगा और कहाँ पर देयर का प्रयोग नहीं होगा, इसमें क्लियर होना जरूरी है। देयर का प्रयोग क्यों करें, तो हिंदी में मैंने लिखा है कि अस्तित्व सूचक वाक्य, जिस सेंटेंस से ये पता चले कि किसी का अस्तित्व है, किसी के अस्तित्व के बारे में अगर सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है, तो वहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। इसे आसान तरीके से हम समझाने का पहले प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद ये सब थोड़ा सा हार्ड सेंटेंस है, इस पर भी चलेंगे, लेकिन ये सब बेसिक में है। देयर का जो बेसिक कंसेप्ट है वही मैं बतलाने जा रहा हूँ, इसके बाद फिर दूसरा। तो एग्जिस्टेंस और प्लेस, जब भी किसी सेंटेंस से ये पता चले कि इस सेंटेंस में एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व या फिर स्थान के बारे में बतला रहा है, किसी वस्तु का, किसी चीज़ का अस्तित्व के बारे में, और फिर वो कहाँ है इसके बारे में, प्लेस के बारे में, तो वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन देयर का प्रयोग कब नहीं करेंगे, जब सेंटेंस में रिलेशन और पोजीशन का प्रयोग हो, लगे कि ये संबंध बतला रहा है, किसी व्यक्ति और वस्तु में संबंध को बतला रहा है या फिर अधिकार को व्यक्त कर रहा है, तो वहाँ पर आप देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से जीरो बेस को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिर्फ लिखा हुआ कि कलम है, तो आप देख रहे हैं कि यह एग्जिस्टेंस को बतला रहा है या अस्तित्व को बतला रहा है या मौजूदगी को बतला रहा है या स्थिति और उपस्थिति को बतला रहा है, तो यहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कलम है ये बतला रहा है। तो हम क्या करेंगे, देयर इज अ पेन, मतलब कुछ है, किसी चीज़ के होने का बोध करा रहा है, तो देयर का प्रयोग यहाँ करेंगे। लेकिन वही देखेंगे, यहाँ तो है रेड में देखेंगे कि कलम है, लेकिन इसमें क्या है, मेरी कलम वहाँ है, तो इस सेंटेंस से क्या बोध हो रहा है, यहाँ पर रिलेशन और पोजीशन दोनों का बोध हो रहा है। जैसे कलम है, लेकिन किसका है, तो मेरी है भाई, कलम है मेरी है, और अधिकार इस पेन पर किसका है, तो मेरी है, तो अधिकार और रिलेशन का बोध हो रहा है। तो मेरी कलम वहाँ है, हम लिखेंगे माई पेन इज देयर। उसके बाद देखते हैं मेरी कलम लाल है, इस सेंटेंस में भी देखेंगे भले ही है यहाँ पर कलम है, लेकिन यहाँ पर अधिकार का बोध हो रहा है कि किसकी कलम है, तो हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे और लिखेंगे माई पेन इज रेड। फिर देखते हैं वहाँ कलम है, तो कलम है, अस्तित्व का बोध तो हो रहा है कि कलम है, लेकिन उसके बाद प्लेस भी आ रहा है, कहाँ पर है, कलम है और कहाँ पर है, तो ये दोनों बतला रहा है, प्लेस भी बतला रहा है इसमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कलम है तो पहले लिखेंगे देयर इज अ पेन, और वहाँ कलम है तो इसके लिए फिर से देयर का प्रयोग करना पड़ेगा, इसमें अंतर को समझना है। अब ये जो यहाँ पर देयर है, इसका मतलब हुआ ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब इस देयर का मतलब होता है वहाँ, और ये जो देयर है इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, मतलब प्रारंभ में आने वाला देयर, इसका कोई रियल मीनिंग नहीं होता, यह एग्जिस्टेंस बतलाने के लिए ही काम में आता है। उसके बाद देखेंगे जेब में कलम है, क्या है, जेब में कलम है, तो यहाँ पर देखेंगे कलम है, एग्जिस्टेंस दिखा दिया, उसके बाद कहाँ है, तो जेब में है, तो प्लेस भी बतला दिया, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे देयर इज अ पेन, कलम है और कहाँ है, तो इन द पॉकेट, कलम है लेकिन कहाँ है, तो पॉकेट में है। तो इस प्रकार से देयर का प्रयोग करते समय एग्जिस्टेंस और प्लेस को जरूर देखेंगे, लेकिन ये सेंटेंस अगर सीख लेते हैं तो बेसिक कंसेप्ट देयर का और क्लियर हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में यहाँ पर देखेंगे कि कई सेंटेंस में देयर का प्रयोग नहीं होगा, तो इसे देखना जरूरी है। दाल में काला है, बोलते हैं कि मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है, तो कि फिर इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देख लेते हैं।
देयर इज ब्लैक वगैरह का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे सो देख लेते हैं। दाल में काला है तो देयर इज समथिंग फिशी, समथिंग फिशी। तो इससे हम याद रखेंगे समथिंग फिशी का मतलब है कुछ संदेहपूर्ण स्थिति का होना, कहीं पर कुछ गड़बड़ सहवर लग रहा है तो समथिंग फिशी बोला जाता है। तो देयर इज समथिंग फिशी मतलब दाल में काला है। नेक्स्ट है दिमाग में गंदगी है, तो दिमाग में डर्टी कहाँ से आएगा, धूल धक्कर ये सब तो आएगा नहीं, मतलब बैड आइडिया के बारे में बोल रहे हैं। तो दिमाग में गंदगी है तो हम क्या करेंगे, देयर इज अ बैड आइडिया इन द माइंड, देयर इज अ बैड आइडिया इन द माइंड मतलब दिमाग में गंदगी है। लेकिन अब आगे देखते हैं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तो अब यहां पर देयर का प्रयोग होगा या नहीं होगा थोड़ा सा आप भी बतलाइए हमें। मेरा कुछ नहीं है तो आप देखेंगे कि इन दोनों में तो बतला रहा है कि भाई काल दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है या फिर गंदगी है, लेकिन मेरा कुछ नहीं है तो इसमें देयर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इससे अधिकार का बोध हो रहा है कि मेरा कुछ नहीं है, या पोजीशन का बोध हो रहा है, रिलेशन का बोध हो रहा है कि मेरा कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर सिर्फ मेरा है तो इसके लिए माय लिखेंगे नहीं लिखेंगे, आपको इसे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि सिर्फ मेरा है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, मेरा कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, माइंड इज नथिंग, मेरा माइंड इज नथिंग, माइंड इज नथिंग, वही रहता मेरी कलम उसकी कलम, तो वहां पर हम माय के बाद कोई माय लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेरा है उसका है तुम्हारा है तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा माइंड योर्स हिज ऐसे करना है। नेक्स्ट है वहां पर कुछ है, अब यहां पर देखेंगे एग्जिस्टेंस का बोध हो रहा है, यहां पर प्लेस का बोध हो रहा है, कुछ है, कुछ है एग्जिस्टेंस का बोध हो रहा है, अस्तित्व का बोध हो रहा है, मौजूदगी का बोध हो रहा है, उपस्थिति का बोध हो रहा है, और वहाँ पर का मतलब प्लेस, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग होगा। तो पहले लिखते हैं देयर इज समथिंग, और वहाँ पर के लिए ओवर देयर, ओवर देयर। फिर देखते हैं उसकी आंखें बड़ी है, तो क्या इसमें किसी मौजूदगी का बोध हो रहा है, किसी एग्जिस्टेंस का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसकी आंखें किसकी है तो उसकी है, अधिकार का बोध हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम देयर का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, हम लिखेंगे हर आइज, हर आइज बड़ी है तो आर बिग, क्योंकि इसमें रिलेशन और पोजिशन का बोध होता है तो देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वही है कि आंखों में जादू है, आंखों में जादू है, तो फिर हम कैसे यूज करेंगे, तो आंखों में जादू है तो क्या करेंगे, किस तरह का जादू है, मैजिक वाला नहीं बल्कि सम्मोहन वाला, अट्रैक्शन वाला, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जादू है तो देयर इज फैसिनेशन, There is fascination आँखों में तो in the eyes, बल्कि किसी के आँखों के बारे में बोल रहे हैं तो there is fascination in the eyes आँखों में जादू है। नेक्स्ट है जीवन में कष्ट है, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी मौजूदगी का बोध हो रहा है कि आँखों में जादू है, तो अब देखते हैं जीवन में कष्ट है, कष्ट है कुछ तो है और कहाँ है, तो जीवन में है, तो समथिंग का होना, किसी चीज़ का होना और फिर प्लेस का होना, ये दोनों को ध्यान में रखेंगे। तो जीवन में कष्ट है तो कष्ट का क्या होगा, देयर इज मिजरी, कष्ट है कहाँ है, तो जीवन में, इन लाइफ,
इन लाइफ देयर इज मिजरी, इन लाइफ जीवन में कष्ट है। घोड़े का रंग सफेद है, तो स्पष्ट है समझना यहाँ पर कि यहाँ पर देखेंगे अधिकार का बोध हो रहा है। किसका रंग? घोड़ा का रंग। रंग किसका? तो घोड़ा का, संबंध का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सफेद है तो देयर इज वाइट नहीं होगा, हम अलग तरीके से लिखेंगे। पोजिशन का बोध हो रहा है तो हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। घोड़े का रंग, द कलर ऑफ द हॉर्स, द कलर ऑफ द हॉर्स इज वाइट। बिल्कुल सिंपल, इसमें अधिकार का बोध हो रहा है, रिलेशन और पोजिशन का बोध हो रहा है, याद रखेंगे। हृदय में भगवान है, भगवान है, गॉड है, अस्तित्व का बोध हो रहा है कि गॉड है, लेकिन कहाँ है? तो हृदय में है। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम लिखेंगे भगवान है तो पहले ये लिखते हैं, देयर इज गॉड, देयर इज गॉड कहाँ है? हृदय में है, तो इन द हार्ट, इन द हार्ट मतलब हृदय में है। नदियों में पानी है, क्या है? पानी है। कहाँ है? नदियों में है। क्या है? कहाँ है? अगर इसका आंसर मिल जाए तो देयर का प्रयोग करेंगे। तो पानी है तो क्या करेंगे? देयर इज वाटर, और कहाँ है? तो नदियों में है, इन द रिवर्स, इन द रिवर्स। तो नदियों में पानी है, देयर इज वाटर इन द रिवर्स, ऐसे करेंगे। लेकिन अब बारी है आपसे सवाल करने के, और देखते हैं कि आज देयर का प्रयोग आपको कितना समझ में आया। बिल्कुल आसान सवाल होगा। तो आज का सवाल है, मेरे दिल में प्रेम है, मेरे दिल में प्रेम है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी प्रेम है, एग्जिस्टेंस कहाँ है? तो दिल में, प्लेस। तो अब इसमें देयर का प्रयोग करना है, लेकिन सही तरीके से देयर का प्रयोग करेंगे, करेक्ट आंसर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे और एक एक करके हम सभी को चेक करेंगे, रिप्लाई भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, सीखने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।